हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.7 के क्वेश्चन नंबर फोर्थ को डिस्कस करने वाले हैं। यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार का व्यास निकालना। तो पहले डायग्राम बनाकर समझा देता हूं मैं। तो ये हमारे पास है शंकु और ये है इसकी ऊंचाई। ऊंचाई आपको दे रखी है 9 सेंटीमीटर और त्रिज्या आपको नहीं दे रखी है। त्रिज्या नहीं दे रखी है और ऊंचाई आपको दे रखी है 9 सेंटीमीटर। तो अब आपको क्या करना है, इसके आधार का व्यास निकालना है। तो पहले तो आप ये देखो कि जो शंकु है, शंकु का आयतन कितना दे रखा है, 48 पाई। पहले तो आप ये लिखें। अब शंकु के आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे हम यहां पर। 1/3 πr² h इक्वल टू कितना होगा, 48 पाई। ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद आप दोनों तरफ देखेंगे कि यहां पर भी आपको पाई दिख रहा होगा, यहां पर भी आपको पाई दिख रहा होगा। तो दोनों तरफ से पाई हमने कैंसिल कर, यहां से क्या बचा, यहां से बचा 1/3, साथ में क्या बचा, r² बचा। ये जो h है क्वेश्चन में, ये h 9 दे रखा है और यहां पर क्या है, ये 48। अब ये देखो कटेगा, 3 1 3, ये हो गया 3 3 9। तो r² × 3 किसके बराबर आ गया आपका, 48 के। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इस 3 को कहां लेके जाएंगे, 48 के नीचे। r² आ जाएगा 48/3, ठीक हो गया। अब 3 1 3 और 3 16 48 होता है, मतलब 48 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो 16 आएगा आंसर। तो r² कितना आ गया, 16 आ गया। r² आपका 16 है तो मैं 16 को लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर। दोनों तरफ से स्क्वायर हटा दो तो r कितना आ गया, 4 आ गया। तो r की वैल्यू हमें 4 मिल चुकी है। पर वापस अगर क्वेश्चन में आए बच्चों, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि व्यास किसको कहते हैं, क्योंकि त्रिज्या तो हमने निकाल दी, व्यास आपको पता होना चाहिए। तो मैंने डायग्राम दोबारा से बना लिया। तो बच्चों ये तो सेंटर है, यहां से पूरा यहां तक की जो दूरी होती है ना, ये पूरी जो लंबाई दिख रही है आपको रेड कलर से मैंने शो किया है, इस पूरी लंबाई को हम बोलते हैं व्यास, ठीक है। और यहां से ये तो सेंटर है, यहां से कलर चेंज कर देता हूं, ये है सेंटर। यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या, रेडियस। तो क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो रेडियस 4 आ गया है, ये भी क्या है, रेडियस है, तो ये भी 4 हो गया। तो अगर तुम्हें यहां से पूरा यहां तक निकालना हो तो टोटल कितना आ गया आपके पास, 8 आ गया, क्योंकि यहां से यहां तक 4 है, यहां से यहां तक 4 है, टोटल 8 है। तो बच्चों व्यास हमारे पास यहां पर कितना हो गया, ये हो गया 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहां पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।